फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो सभी का स्वागत आज के इस सेशन में। और आज हम जो बात करेंगे वो जून 2014 का जो थर्ड पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें हमारा पार्ट थ्री होगा, ये ना पार्ट थ्री है, ये है ना। मॉडर्न की बात करेंगे आज, हम मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे आराम आराम से, है ना। चलो क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने प्रतिद्वंदी जो पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल बात सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक क्या किया, पुर्तगालियों को भी और डचों को भी यहाँ से चलता किया। बिल्कुल बात सही है। अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर देते थे, ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो अंग्रेज हैं वो वस्तुओं को सस्ता बेचते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी रणनीति और अपनी सैन्य शक्ति के बल पर हटाया इनको ना। और जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों को तो डचों ने काट दिया, पुर्तगालियों को तो डचों ने ही हरा दिया था। लगभग सारे जो केंद्र हैं पुर्तगालियों के वो डचों ने हथिया लिए थे, या वो जो पुर्तगालियों की यहाँ पर धार्मिक नीति थी उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो पुर्तगाली तो अपने ही जोश में कहते हैं वो हो गए। तो इसलिए और डचों को 1769 के वेदरा के युद्ध में अंतिम रूप से किसको, वेदरा के युद्ध में अंतिम रूप से किसने पराजित किया? अंग्रेजों ने डचों को यहां से भगा दिया। वो अंतिम युद्ध था वेदरा का, है ना। युद्ध में अंतिम रूप से डचों को अंग्रेजों ने हराया। ठीक है, अंग्रेजों ने हरा दिया और भगा दिया, ठीक है। और ये गलत है, तो इसका मतलब कथन सही है लेकिन ये सही है पर आर गलत है। तो उत्तर हमारा क्या होगा? सी होगा, सी। और आपको पता है कि जो फ्रांसीसी हैं उनको भी अंग्रेजों ने भगाया। फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से सत्रह सौ साठ में वाडिवास के युद्ध में हराया। है ना, वाडीवास की युद्ध में हराया था। तो इसका ए सही है और आर उसका गलत है, तो सी हमारा ऑप्शन है। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत मुंबई पर पूर्व अधिकार किसका, अंग्रेजों से पहले मुंबई पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों से पहले मुंबई पर पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। 1761 में क्या होता है? 1761 में जो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगराजा से हुआ ना, कैथरीन से हुआ। इनके दहेज में क्या मिला? दहेज में मुंबई मिला। दहेज में क्या मिला? बंबई। 1761 में मिला, जिसे बाद में क्या हुआ, 1761 में मुंबई इनको मिल गया ना। और 1768 में सॉरी 1668 में चार्ल्स ने बंबई 10 पौंड के किराए पर, 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। ठीक है, 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, और जो 1763 से लेकर और 1767 तक, 1777 तक ओंगियार,
यहाँ के गवर्नर रहे, बंबई के गवर्नर रहे। है ना, उनको आधुनिक मुंबई का संस्थापक कहा जाता है। का संस्थापक, ठीक है। और अंग्रेजों ने यहां पर अपनी पहली प्रेस है ना, और टकसाल बंबई में ही लगाई ना। ठीक है, तो ये था इसका कहानी। तो किताबें हैं ये, किसका कौन सा है? शाहजहानामा जो है ये औरंगजेब के काल में लिखी गई, इनायत खान ने लिखी थी औरंगजेब के काल में। नुक्साई दिल खुश भीमसेन की है, ये औरंगजेब के दक्षिण अभियानों का वर्णन करती है। ठीक है, औरंगजेब के दक्षिण अभियानों का वर्णन करती है। और पातशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी का है। पातशाहनामा किसका है? पातशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी का है। ठीक है, और इसको अंतिम रूप से किसने पूरा किया था? पातशाहनामा को अंतिम रूप से मोहम्मद वारिस ने पूरा किया था। आलमगीरनामा मोहम्मद काजमी का है ये, और ये औरंगजेब के काल के औरंगजेब के काल के 21 वर्षों का इतिहास है इसमें। कितने वर्षों का इतिहास है? 21 वर्षों का इतिहास इसमें दिया गया है। कितने वर्षों का इतिहास दिया गया है? 21 वर्षों का इतिहास इसमें दिया गया है। ठीक है, और ये जो मोहम्मद काजमी था ये सरकारी इतिहासकार था औरंगजेब के समय। सरकारी इतिहासकार मतलब दरबारी इतिहास कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक का दो, दो का तीन, दो का लास्ट, एक का दो, दो का लास्ट, तो उत्तर आएगा ए। ठीक है, उत्तर क्या आएगा इसका? ए उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुनसिबों की नियुक्ति किया, बिल्कुल बात सही है। औरंगजेब ने नवरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, ये बात गलत है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि औरंगजेब ने नवरोज के त्योहार को बंद किया ना, तुलादान को बंद किया, तुलादान को उसने बंद किया, संगीत पर बैन किया ना, सारे उसने तो काम चित्रकारी पर बैन किया है ना, और झरोखा दर्शन पर रोक लगाई, है झरोखा दर्शन पर रोक लगाई। उसने क्या किया? 1679 में हिंदुओं पर जजिया लगाया, और इसके अलावा उसने 1699 में मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी की सबसे अधिक पुस्तकें
उसी के समय लिखी गई, ये भी बात सही। औरंगजेब समय सितार यानी वीणा बजाता था वो, इसको ये भी कह सकते हैं, वीणा बजाता था, वीणा बजाने में निपुण था। ठीक है, सितार मिसप्रिंट है यहाँ पर, वीणा बजाने में निपुण था, तो हमारा आंसर होगा बी, है ना। समुद्रगुप्त भी वीणा बजाता था। अकबर है वो नगाड़ा बजाता था। ठीक है, तो चलिए अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डब्ल्यू सी स्मिथ ने उन इतिहासकारों में से है जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात कही है। स्मिथ है जो उन इतिहासकारों में से है जो जिसने सबसे पहले किसानों के विद्रोह की बात की है। बिल्कुल सही है, उन्होंने ये तर्क दिया है कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। ये भी बात वो सही करते हैं। तो सीए बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट परम सिद्धांत दिया है, नहीं दिया, ये गलत है, ये रिचर्ड्स ने दिया है। जे एफ रिचर्ड्स ने तर्क दिया है कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ, कृषि संकट सतीश चंद्र ने दिया है, तो इसका मतलब ये भी बात रोंग है। तो हमारे जो रोंग है वो 3 और 4 है, रोंग है वो 3 और 4 हमारे रोंग है। हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। किसका यह दावा है कि शिवाजी का साम्राज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति था। वतन जो जागीर होता है ना, वतन एक एक सीमित अक्षेत्र, एक सीमित सोच का वो था वतन, एक मतलब जो पैतृक जो अक्षेत्र जिसको वो समझते थे उस तक ही उसका वो सोच सीमित थी। ये बात किसने बोली है? ये बात आंद्रे विंक बोलते हैं ना, आंद्रे विंक कहते हैं कि जो शिवाजी था उनकी जो सोच थी वो एक पैतृ आधारित सोच थी, मतलब एक सीमित क्षेत्र को लेकर थी। शिवाजी को आपको पता है कि शिवाजी का जन्म 1627 सिवनेर में हुआ था, है ना। 2 बार उसने सूरत को लूटा 2 बार, एक 1664 में लूटा और 1677 में लूटा। ठीक है, 2 बार उसने लूटा था। अंग्रेजों से तोप प्राप्त की उन्होंने, अंग्रेजों से शिवाजी को तोप प्राप्त हुई। शिवाजी को तोप प्राप्त हुई, उसके अलावा जो 1665 में पुरंदर की संधि, सोलह सौ पैंसठ में पुरंदर की संधि और 1674 में, 1674 में इसने क्या किया, 1674 में राज्याभिषेक करवाया, है ना। और 1680 में मृत्यु। तो ये था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। बात बिल्कुल, सभी गांव जमींदारों के नियंत्रण में थे, ऐसा सही नहीं है। कृषि अधिशेष में जमींदारों का भाग समस्त मुगल साम्राज्य में एक समान था, यह भी बात सही नहीं है। सभी जमींदार मालिक के जमीन थे, यह भी बात सही नहीं है। तो सही क्या है कि जो, क्योंकि जो जमींदार थे, जमींदार को क्या था, केवल भूमि के भू राजस्व वसूल का अधिकार था, भू राजस्व वसूल का अधिकार था। है ना, जिसे उस बेच भी सकता था, जिसे वह
जिसे वह बेच सकता था। लेकिन भूमि को नहीं बेच सकता था, भूमि को बेच नहीं सकता था। ठीक है, तो उत्तर हमारा ये आएगा, व्यय न की बचत करना अमीर वर्ग के जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। उपरोक्त कथन व्यय, वो खर्च करते थे, बचत नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो सारी संपत्ति राज्य के खजाने में चली जाएगी, इसलिए बचत करके क्या करना। अब मुझे ये पता हो कि जैसे ही मेरी डेथ होगी तो मेरी जो सारी संपत्ति है वो चली जाएगी राज्य के खजाने में, तो मैं बचत क्यों करूँगा। तो ये बात जो मुगल जो अमीर थे उनके उसमें भी होती थी, जब तक मनसबदार या जमींदार है तब तक वो भूमि या लैंड या क्षेत्र संपत्ति उसकी रहती थी, जैसे ही वो चला जाएगा उसकी सारी संपत्ति किसके पास चली जाएगी, राज्य के पास चली जाएगी, इसलिए वो खर्च ही खर्च करते थे, है ना, व्यय व्यय करते थे, बचत नहीं करते थे। ये मोरलैंड का विचार है, मोरलैंड ने मुगल साम्राज्य के जो आर्थिक इतिहास को लिखा है, आर्थिक इतिहास लिखा, मुगल का आर्थिक इतिहास लिखा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाइए और उत्तर दीजिए। रामानंद वैष्णव भगत थे और जो भक्ति धारा को साउथ से नॉर्थ में लेके आए, ना साउथ से नॉर्थ में लेकर आए, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हिंदी में अपने उपदेश दिए, हिंदी में उपदेश देने वाले पहले भक्ति संत हैं ये, हिंदू में हिंदी में उपदेश दिए। जाति वर्ग, जाति व वर्ग भेद को तोड़ा, ठीक है। तो इनका जो समय था वो 15वीं सदी था, है ना, ये कबीर के गुरु, कबीर के गुरु थे ये। आदि ग्रंथ का संकलन कब हुआ है, आदि ग्रंथ का संकलन 1604 यानी 17वीं सदी अर्जुन देव ने किया था, 5वें गुरु हैं ये। इबादत खाने का बंद होना ये 1582 में हुआ, यानी 16वीं शताब्दी यानी ये 1573 में स्थापित हुआ था। ठीक है, धक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिलों की नींव 14वीं सदी में, गरीब के बहुद्दीन गरीब, गरीब व गेसुदराज के द्वारा। कब, जब जब तुगलकों ने, जब अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया, तो 14वीं सदी में बनाया था। तो देखिए पहले लास्ट हो गया, फिर एक हो गया, ये एक आएगा, ये दो आएगा, ये तीन आएगा, ठीक है, तो उत्तर आएगा बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम, सायुगम सही सुमेरित नहीं है। करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी थे, बिल्कुल बात सही है, करोड़ी, जिनकी नियुक्ति किसने, जिनकी नियुक्ति दैसाला व्यवस्था में की गई थी ना, दैसाला
में अकबर के द्वारा, ठीक है। ये क्रोड़ी किसको कहा था? अमील जो अधिकारी थे, अमील अधिकारियों को ही क्रोड़ी कहा था, अमील अधिकारी जो होते थे, ठीक है। खालसा वह भूमि होती थी जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा होता था, खालसा लैंड होती थी जिसका राजस्व सीधा खजाने जमा होता था, ये भी बात सही है। तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार थे, बिल्कुल तरफ मतलब प्रांत है ना, उसमें बहमनी में चार प्रांत थे। बाद में जाके बाद में मोहम्मद गवां ने उसको आठ कर लिया था, आठ प्रांत कर दिए। ठीक है, ये भी बात सही है। पैबाकी राजस्व का जागीर में आवंटन नहीं, नहीं। पैबाकी क्या होती थी? पैबाकी होती थी जागीरें देने के लिए रिजर्व रखी गई भूमि। पैबाकी क्या होती थी? जो जागीर देने के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि, जागीर देने के लिए। जागीरें देने के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि पैबाकी कहलाती थी, तो इसका मतलब ये गलत है, तो हमारा डी आंसर है। निम्न में से किस विद्वान ने तर्क दिया है कि पूर्व उपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? पूर्व उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी, ये किसने वो दिया है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी, एआई चिचरीव ने दिया है। एआई चिचरीव को उत्तर माना है, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं ना। एआई चिचरीव यूजीसी ने उत्तर माना है इसका, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस मोरलैंड पे और इस चिचरीव पे, ठीक है। एआई चिचरीव, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहेंगे। अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई बिना किसी वास्तविक लड़ाई के ही जीत लिया था, बिल्कुल। के एम पनीकर क्या कहते हैं? के एम पनीकर ने क्या कहा है? प्लासी सौदा था जिसमें मीर जाफर व कलकत्ता के बैंकरों ने मिलकर सिराजुद्दौला को अंग्रेजों को हाथों बेच दिया, सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ठीक है, प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की राजनीति में पैर रखने का अवसर दिया, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि जो प्लासी बक्सर की लड़ाई के बाद ये अधिकार उनको मिला है, बक्सर की लड़ाई के बाद है ना। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में है ना, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। जिसके द्वारा उनको सारे अधिकार मिले, जिसके द्वारा, जिसके बाद ही उन्हें ये अधिकार मिले। ठीक है, दीवानी राइट मिला सबसे पहले तो ना। तो इसमें कंपनी के दौरान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन
निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? कंपनी जब भारत में आई उसके बाद भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण थे? इसका मुख्य कारण ये था कि भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका पतन के कई कारण थे। तो उसका ये मुख्य कारण तो ये था, एक ये भी था कि उस समय भारत का राजनीतिक पतन हुआ। भारत का राजनीतिक पतन हुआ तो जो राजवंशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इंडस्ट्री मेनली उन शहरों में थी तब उसकी जरूरत नहीं रही, एक तो कारण ये रहा। दूसरा ये रहा कि भारतीय बाजार इंग्लैंड की मशीनी सामान से निर्मित जो कम मूल्य के थे उनसे वो भर गए। तो अब यहाँ पर जैसे इंडिया की इंडस्ट्री क्यों बर्बाद होगी, क्योंकि चाइना के इतना सस्ता सामान हमें दे देते हैं तो हम उसी को लेंगे, है ना। अब बाजार में जाएंगे, ये इंडियन है, ये 500 रुपये किलो है, ये चाइनीज है 200 रुपये किलो है, तो हम 500 रुपये वाला क्यों लेंगे, हम तो 200 वाला ले लेंगे। तो इतना ऐसी देशभक्ति का क्या करना है जो हमें लूट ले। तो इसलिए वो चीज़ क्या हुई बाद में, वो रिवर्स हो गई। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने जो इंग्लैंड का जो मशीनों से बना सामान था वो थोड़ा सा दिखने में सुंदर होता था, मजबूत है कम ना हो, उसको लेना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये जो दौर था वो इंग्लैंड में क्रांति का दौर था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर था। इंग्लैंड में क्रांति का, एक औद्योगिक क्रांति का दौर ये था, ठीक। क्योंकि 1813 के बाद, 1813 और 1833 के एक्ट के बाद पूरे इंग्लैंड के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया गया था, बाजारों को खोल दिया गया था। और दूसरा यह था कि आयात और निर्यात कर में बड़ा अंतर था, आयात व निर्यात कर में अंतर। ये जो आयात कर होता था वो तो सस्ता होता था, यहां से जो वस्तु बाहर जाती थी बनी तैयार वस्तु वो महंगा होता था। तो जिससे क्या होगा, वो चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, तो बाहर भी लोग उनको क्यों खरीदेंगे। तो क्या हुआ, तो ये भारतीय बाजारों में इंग्लैंड की मशीनों का निर्मित सामान आया, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह से डिक्लाइन कर गया। वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तीन पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है, ये आरपी दत्त ने किया। आरपी दत्त ने बताया कि एक चरण, पहला जो चरण था जिसको ट्रेड जब वो कर रहे थे तो 1857 से लेकर और 1813 तक वो ये ट्रेड कर रहे थे, केवल ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने औद्योगिक सामान को यहाँ पर मुक्त औद्योगिक मुक्त कर दिया, बिल्कुल औद्योगिक व्यापार ना, वहां का सामान। अभी तो भारत से सामान लेके जा रहे थे ना, भारत से वस्तुएं लेके जा रहे थे अभी तो। अब क्या हुआ, अब भारत से केवल कच्चा माल लेके जा रहे थे ना, भारत से कच्चा माल। और ये 1813 से लेकर 1860 तक का कह सकते हैं, है ना, तैयार माल भारत में बेच रहे थे। उसके बाद जो इस दौरान जो पैसा कमाया, अब वित्तीय पूंजीवाद, पूंजी से पूंजी कमाएंगे वो, वित्तीय पूंजीवाद आया, वित्तीय पूंजीवाद, पूंजी से पैसा कमाया, वित्तीय पूंजीवाद, इसमें पूंजी लगाकर पैसा कमाया, इन्वेस्ट करके 1860 से आगे, है ना। इसमें चाहे उन्होंने रेलवे में पैसा लगाया, बागानों में लगाया, बैंकिंग सेक्टर में लगाया,
इंडस्ट्री में लगाया, तो सब जगह से क्या था, वो इंटरेस्ट वसूल करते थे, तो इसलिए उन्होंने यहां पर ज्यादा पैसा। ये आरपी दत्त ने इंडिया टुडे में बात कही है, उनकी बुक का नाम है इंडिया टुडे, ठीक है। आरसी दत्त की किताब कौन सी है, आरसी दत्त की किताब का नाम है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, 1902 में लिखी थी, इकोनॉमी पर, भारतीय इकोनॉमी पर लिखी गई पहली किताब है ये। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेनोफेल का सिद्धांत दिया, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, जो ये आरपी दत्त ये भी मार्क्सवादी है ना, मार्क्सवादी है, मार्क्स की सोच से ही लिखती है। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है कि स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी, इसका उद्देश्य ये था कि क्योंकि जो भारतीय कि जो लिटरेचर से ये समझना कि भारतीय सोसाइटी किस तरह से वर्क करती थी, इसलिए क्या जरूरी था कि भारतीय भाषाओं को समझना, भारतीय ग्रंथों को समझना, भारतीय शास्त्र जो रखे हुए हैं उनको समझना, जिससे सोसाइटी का बैकग्राउंड समझ में आ जाए, सोसाइटी का बैकग्राउंड समझने के लिए। बैकग्राउंड समझने के लिए सोसाइटी का बैकग्राउंड समझने के लिए भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए, ठीक है। इसमें ये कब हुई स्थापना, इसकी 1784 में है ना, विलियम जोन्स के द्वारा और वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई और इसके बाद उन्होंने जो स्थापना हुई इसकी 1804 में बम्बई एशियाटिक सोसाइटी बम्बई में स्थापित हुई है और 1823 में इंग्लैंड में लंदन में स्थापित हुई, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसका काम क्या था, भारतीय जो पुस्तकें थी उनको अनुवाद करना है, हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत और फारसी के ग्रंथों का अनुवाद करना। निम्न में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय हुआ, जो किलों के पुश्तैनी जो सेवक थे जिनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी गई थी, ये विद्रोह हुआ 1844 में है ना, 1844 में उन्हें पुश्तैनी जो सैनिक ये काम करते थे यहाँ पर, इन किलों की रखवाली करते थे, अब वो अंग्रेजों ने कह दिया था कि आप अपना काम करो, अब दूसरा काम कुछ देख लो, तो इस करके इनका झगड़ा हुआ, तो ये 1844 में ये विद्रोह हो गया था है ना, कोल्हापुर में विद्रोह हुआ ये महाराष्ट्र में ना। पिंडारी क्या थे, पिंडारियों को मराठों का शिकारी कुत्ता कहते थे। मराठों का शिकारी कुत्ता कहते थे इनको, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा। अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय थी उसकी प्रकृति की विशेषताओं को बारे में बताना कि अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय था वो क्या क्या था, कैसा था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय देखिए की स्थापना सबसे पहले तो 1875 में कॉलेज बनता है ना, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज,
ठीक है। उसके बाद इसमें नॉर्थब्रुक ने क्या किया था, 10,000 रुपये चंदा दिया था, डोनेशन दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनती है ना, तो AMU अलीगढ़ मोमडन यूनिवर्सिटी, तो किसने बनाया सारा ये, सर सैयद अहमद खान ने। उसने 1864 में क्या बनाया था, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है। उसने वो क्या था, वो कांग्रेस का विरोधी था वो, है ना। और उसने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया। इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध उसने किया था किसके, और उसने क्या किया, 1888 में सितारे हिंद के साथ मिलकर, हिंद के साथ मिलकर क्या किया था, सितारे हिंद के साथ मिलकर उसने क्या किया, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, संयुक्त भारतीय भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया। ठीक है। तो ये ब्रिटिश का समर्थक था, क्योंकि वो चाहता था कि जो ब्रिटिश जो है वो सोचने लगे हैं मुस्लिम के बारे में, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो 1857 के विद्रोह का सीधा सीधा जिम्मेवार मुस्लिम को ही मानते थे। वो इस सोच को बदलना चाहता था, और उसने मुस्लिम को इस बात का आह्वान किया कि वो अंग्रेजी शिक्षा लें और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस विरोधी था, क्योंकि इलाहाबाद जो अधिवेशन का विरोध उसने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो यूपी का जो क्षेत्र है जहाँ पर उसका एरिया पड़ता है वहाँ पर क्या हो, कांग्रेस का प्रभाव बढ़े। तो ये 2 और 3 दोनों ही सही हैं हमारे लिए, तकदीर होगा। निम्न में से भारत, ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्योग जो उद्यम नहीं था, इनमें से कौन सी फसल है जो रोपण नहीं थी, नील रोपा जाता है, ये जो गेहूं है ये प्लांटेशन नहीं होता ना, ये बोई जाती है सीधे, इसका प्लांटेशन नहीं होता। बाकी तो चाय कॉफी रबर का प्लांटेशन होता है। तो ये गेहूं है ना, गेहूं हुई जौ हुई या चावल हुए, ये चावल भी प्लांटेशन होता है, रोपण होता है, तो जो जो बोई जाते हैं। ठीक है। ये नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था, 1813 के एक्ट के अनुसार, है ना, समाप्त कर दिया गया केवल चाय और अफीम। चाय और अफीम किसके साथ, चाइना के साथ। ना चाय और अफीम वो भी चाइना के साथ। उसने क्या किया था, बस वो बचा के रखी थी कि ये व्यापार उनको दे दिया गया था, छोड़ दिया गया था उनके ऊपर। लेकिन 1833 में चाय अफीम भी छीन लिया गया, वो भी समाप्त कर दिया गया। है ना। अब उनको ये बोल दिया गया कि आप केवल राजनीति को देखेंगे, और 1858 में वो राजनीति भी उनसे छीन लिया गया था। तो 1813 में इस जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, पूरे इंग्लैंड के लोगों को, व्यापारिक को ये अधिकार दे दिया गया कि आप क्या करेंगे, आराम से भारत में व्यापार कर सकते हैं। 1833 में क्या हुआ था, ईसाई मिशनरियों को, या ईसाई मिशनरियों
ईसाई मिशनरियों को भारत में भूमि खरीदने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया, ओपन टू ऑल कर दिया गया था ना, ओपन टू ऑल कह लीजिए, कोई आओ खरीदो कुछ भी यहां पर, ओपन टू ऑल कर दिया गया। 1853 में क्या हुआ था, 1853 में 13 में की इसमें 33 में क्या, 1853 में आईसीएस की परीक्षा शुरू हुई थी। जो लंदन में पहले क्या कहां होती थी, लंदन में होती थी, ये ना लंदन में शुरू हुई है। 1923 में पहली बार भारत में आई, ठीक है। तो ये चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ये लैप्स की नीति के अनुसार मिलाए गए स्टेट हैं। लैप्स की नीति किसकी थी, डेहलो जी की ना, ठीक है। ये अंग्रेजों की अंतिम विस्तारवादी नीति थी, अंग्रेजों की ठीक है। डेलो जी ने झांसी को 1853 में मिलाया, झांसी को 1853 में, संबलपुर को 1849 में, सतारा को 28, सतारा को सबसे पहले 1848 में, और अवध को 1856 में ना कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट पर, ठीक है। नागपुर को कब मिलाया गया, नागपुर को 1854 में है ना, और बघाट को 1850 में, जिसे कैनिंग ने वापस कर दिया, जिसे कैनिंग ने वापस किया। उसके बाद करौली को 1855 में मिलाया गया था, करौली 1855 में, परंतु बीओसी बोर्ड बीओडी ने इसका परमिशन नहीं दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका इसकी अनुमति नहीं दी, कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो एक का दो, दो का एक, तीन का एक का दो, दो का एक, ये डी हमारा उत्तर होगा, डी हमारा शानदार उत्तर होगा। नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं, उनको बताना है कि क्या हुआ था। लॉर्ड रिपन 1880 से और 1884 तक भारत के वायसराय रहे, और सबसे उदारवादी कहा जाता है इनको। इल्बर्ट बिल पारित किया, बिल्कुल किया, 1883 में इल्बर्ट बिल क्या था, भारतीय जजों को यूरोपियन के मामले सुनने का अधिकार है ना, जिसका यूरोपियन ने विद्रोह की, जिसका यूरोपियन ने विरोध किया, जिसका यूरोपियन ने विरोध किया है ना, दूसरा श्वेत विद्रोह था ये ना, दूसरा श्वेत विद्रोह।
1883 में हुआ ना ये, जिसके कारण 1884 में कानून वापिस हो गया। जिसके बाद ये 1884 में कानून वापिस हो गया था। इससे पहले जो पहला सैनिक, पहला श्वेत विद्रोह था, नोट कर लें, पहला श्वेत विद्रोह कब हुआ था? 1766 में, क्लाइव के समय। ठीक है, ये उस समय होता। तो इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस के बराबर ला दिया, ऐसा कुछ इसमें था नहीं, तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। इसने प्रेस के साथ कुछ नहीं किया है ना, प्रेस का और इसके साथ तो कोई वो मतलब ही नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा सी। भारत के अनेक व्यक्तियों में तीन भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत में ब्रिटिश राज्य के ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में दिया। वो नरोजी थे सबसे पहले दिया इन्होंने, नरोजी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लिखा इन्होंने, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया इन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया इसने। राणा डे ने भी बताया कि किस तरह से आर्थिक दोहन हो रहा है, और आर सी दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। तो ये इसका हमारा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? ये सारे कोई सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं है। कायस्थ यूपी में हुआ है, तो लिंगायत कर्नाटका में हुआ है, तो नाम सूत्र आंदोलन बंगाल में हुआ है 1901 के आसपास है ना। ये कौन थे ये नाम, ये परंपरागत खेती करने वाले और नाव चलाने वाले थे ये ना, नाम सूत्र जिसको बोलते ना, ये गत खेती करने वाले। वह नाव चलाने वाले थे, इन्होंने कानूनों का विरोध किया और ये विद्रोह इन्होंने किया है। 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा, जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से भी जानी जाती है, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली और सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से किसने उत्तर का चयन कीजिए। ये एक ऐसा वो था कि ब्राह्मणों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए किसने ऐसा किया ब्राह्मणों को, ये टीएम नायर और त्यागराज चेटी के द्वारा, टीएम नायर और त्यागराज चेटी ने ये किया। इसने उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। संघ की स्थापना, ठीक है, और जिनका उद्देश्य क्या था, जातीय पूर्वाग्रह को तोड़ना उद्देश्य है, जातीय पूर्वाग्रह होते ना पहले, जातीय पूर्वाग्रह को तोड़ना, गैर ब्राह्मणों को उनका हक दिलवाना, उनका हक दिलाना, है ना, गैर ब्राह्मणों को उनका हक दिलाना, ठीक है। ये
ये कब किया गया? 1917 में स्थापना, 1917। निम्न में से भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है वो कौन सा था? वो मद्रास श्रमिक संघ 1918 जो है, की स्थापना वीपी वाड़िया ने, पहला, ये पहला पंजीकृत मजदूर संगठन है ये। ठीक है, तो संस्थाएं हैं, बताना किसकी कौन सी संस्था है। रहनुमाई मजदयान सभा, इसकी स्थापना बंबई में हुई, ये पारसी संस्था थी, एक पारसी संस्था। स्थापना जो है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी और एसएस बंगाली। ना फुरदौन जी, धारुल उलम ये देवबंद में, सहारनपुर। ठीक है, इसमें मोहम्मद कासमी, है ना, नोतवी तभी, है ना, अहमद गंगोही, ये इसमें संस्थापक थे, इसके देवबंद के। नदवा उलेमा की स्थापना लखनऊ, है ना, सिबली न्यूमानी, ठीक है। और मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अलीगढ़, इसमें सर सैयद अहमद खां, 1886। ठीक है, तो इसमें एक का वही हुआ, एक का दो दो, ये बी। वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, कौन सी महिला थी डिग्री प्राप्त करते हुए? 1932 में बीना दास ने, ना, 1932 में बीना दास ने गोली चलाई थी, है ना, 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गोली चलाई थी। और इसके अलावा जो कल्पना दत्ता है और प्रीति लता वाडेकर है, ये चटगांव के से जुड़ी है ना, चटगांव केस कब हुआ था? 1930 में, मास्टर सूर्य सेन, है ना, मास्टर दाने सूर्य सेन के नेतृत्व में। और इनकी, मास्टर सूर्य सेन की क्या थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ये अप्रैल 1930 की बात है, ये चटगांव के शस्त्रागार पर लूटा गया था ना। शास्त्रागार को लूटा किसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता है? नारायण एनएम जोशी को कहा जाता है, एनएम जोशी को। किसको कहा जाता है? एनएम जोशी को कहा जाता है, जिन्होंने 1920 में क्या किया था? 1920 में
AITUC की स्थापना की थी, है ना। ये AITUC क्या थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन मुंबई में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। तिलक के साथ केसरी और मराठा, केसरी जो था ये मराठी में था, मराठी भाषा, और मराठा जो था वो इंग्लिश में था। तो किसने निकाला था ये? आगरकर के साथ उसने, तिलक ने ये काम किया था। तिलक ने दो उत्सव मनाए, एक गणेश उत्सव और एक शिवाजी उत्सव। ये 1893 है, ये 1893। तिलक जो है लोकमान्य के नाम से वो थे ना, और इनको भारतीय क्रांति का अगर दूत कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं, भारतीय क्रांति का, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कह सकते हैं। ठीक है। किस अधिनियम को गला घोटू अधिनियम कहा जाता है? वो कहा जाता है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है, जो कि लीटन लेके आया था, लॉर्ड लीटन का था ये ना, जो मुख्य रूप से किसको निशाना बनाया गया था इसमें? इसमें सोम प्रकाश को, जो कि किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, और जे अमृत बाजार पत्रिका को। ये बंद हो गया था, और लेकिन ये इंग्लिश में बदल गई थी, इंग्लिश में हो गई थी अब चेंज ये, है ना। पाइनियर जो अखबार था उसने इसका समर्थन किया था। एक्ट का समर्थन किया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरी अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया? वो किस समस्या पर प्रस्ताव पारित किया गया था? ये 1938 में जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा के वो सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। तो भारतीय रियासतों में किस तरह से आंदोलन को चलाया जाए, इसके ऊपर प्रस्ताव पास हुआ था। एक तो ये था, और एक दूसरा क्या था? इसके ऊपर रणनीति स्पष्ट की गई, देशी रास्तों में आंदोलन का क्या हो, किस तरह से चलाया जाए। और एक जवाहरलाल नेहरू के जेएनएन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। का गठन है ना, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के नाम, उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसने
जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा को मन बनाया, वो आरसी दत्त के लिए उन्होंने कहा था, आरसी दत्त के लिए उन्होंने कहा था, है ना। और जो अरविंद घोष हैं वो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता। गरम दल के वो नेता थे। उन्होंने अरविंद घोष ने क्या क्या लिखा है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, और वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ठीक है, ये उनका रचनाएं थी। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, एस सत्यमूर्ति को जो भारत दक्षिण भारत के ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है ना, एस सत्य मूर्ति को, उन्होंने क्या क्या किया, भंग भंग में भंग भंग आंदोलन चला उसमें भाग लिया, भंग भंग में भाग लिया है ना, और रोल्टे एक्ट के विरोध में भाग लिया, एक्ट का विरोध, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्या, जलियांवाला बाग के खिलाफ वो किया, ये साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए उसने, है ना, साइमन विरोधी आंदोलन चलाया। ठीक है, ये सब काम किए ना, और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, उन्नीस सौ बयालीस में जेल गए, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो इसका मॉडर्न का ये पार्ट था, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, ये रहता है हमारा हिस्टोग्राफी, इसका एक कंबाइंड दो लेक्चर इसके हम बनाएंगे, तो चलिए, ठीक है, थैंक यू सभी का।